हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ दही बड़ा आलू दम की रेसिपी। और अगर आप ओडिशा से बिलोंग नहीं करते हैं तो आप सोच रहे होंगे कि दही बड़े के साथ आलू का क्या काम। और ये ओडिशा का एक फेमस स्ट्रीट फूड है जो कि ओडिशा के आपके हर गलियों में आपको यह मिल जाएगा। टेस्ट बहुत ही लाजवाब है। और ये दही बड़ा आलू दम और कुछ प्याज टमाटर के साथ सर्व किया जाता है। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। और लास्ट में मैंने फूड लाइब्रेरी में एक बहुत ही रोचक जानकारी दी है। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल पे जाके ऑल को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले हम दही बड़े बना लेते हैं, तो उसके लिए हमें दाल को भिगोना होगा। एक बॉल में मैंने यहाँ पे एक कटोरी धुली उड़द दाल लिया है और 1/4 कप मैंने यहाँ पे टुकड़े वाले चावल लिए हैं। बासमती चावल जो होता है वो टुकड़े वाले आसानी से आपको किराने के शॉप में मिल जाएगा। तो रेशियो है, एक कटोरी मैंने यहाँ पे धुली उड़द लिया है और 1/4 कप यहाँ पे मैंने चावल लिया है। अब इसे अच्छी तरह से हमें धोना है क्योंकि इसमें बहुत सारे केमिकल्स रहते हैं, तो इसको 3-4 पानी से अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद इसे हमें रात भर भिगो देना है। तो फाइनली हम इसमें पानी डालते हैं और इसे रात भर सोक करते हैं। रात भर सोक करने के बाद यहाँ पे देखिए मैंने पानी को छान लिया है और एक छन्नी में, और थोड़ी देर हम इसे इसी तरह रहने देते हैं जब तक कि सारा पानी निकल ना जाए। अब एक मिक्सर का जार लेते हैं, बड़ा वाला जार लेते हैं यहाँ पे, और दाल को इसमें डाल के इसका पेस्ट बना लेते हैं। तो दाल हमारा पिस चुका है, अब एक बॉल में इसे ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसे हमें थोड़ा सा फेंटना है। फेंटना इसलिए है क्योंकि अगर हम फेंटेंगे नहीं तो वरे जो है हमारे थोड़े टाइट बनेंगे। और इसे इस तरह से हम अगर चम्मच की सहायता से फेंटेंगे ना तो वरे हमारे हल्के फुले फुले और बहुत सॉफ्ट बनेंगे। तो 3 से 4 मिनट इसे अच्छी तरह से आप फेंट लीजिए। 4 मिनट हमने बैटर को अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब ये रेडी हुआ है या नहीं हुआ है इसको चेक करना है। तो चेक करने के लिए यहाँ पे मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है, थोड़ा सा इस बैटर को डाल के देखेंगे। अगर बैटर हमारा नीचे पैंदे में ही बैठा रहा तब तो आप इसे और थोड़ा चला लीजिए, और अगर थोड़ा ऊपर उठ गया तब आप समझिए कि ये तैयार है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मैंने डाला है, अब ये देखिए थोड़ा ऊपर आ गया है ना, तली पे जाके नहीं बैठा है। बैटर हमारा रेडी है, अब आगे का प्रोसेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक बर्तन में पानी लिया है और पानी में 1 चम्मच मैं नमक डाल ली हूँ, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच जीरा पाउडर डाल ली हूँ। और तीनों चीज़ को डालने के बाद इसे चम्मच से हम मिला लेते हैं अच्छी तरह से और एक साइड में रख देते हैं। यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल ऑलरेडी पहले से गर्म होने दे दिया था, तेल गर्म हो गया और साइड में ये जो पानी है उस पानी को भी मैं रखी हुई हूँ। दोनों को साथ रखना है आपको, इसमें वड़ा तलना है और वड़ा तल के इस पानी में डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए तेल अच्छा खासा गर्म हो गया है, अब धीरे धीरे करके इसमें हम वड़ा डालना स्टार्ट करेंगे और इसे हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हम चलाएंगे और दोनों तरफ से गोल्डन होने तक का वेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए वड़े हमारे तल चुके हैं और कितने फुले फुले सॉफ्ट दिख रहे हैं। अब इसे हम क्या करेंगे, जो बर्तन में मैंने पानी रखा था उस बर्तन में इस वड़े को डालते जाएंगे। तो ये हमारे वड़े इस तरह से बन के तैयार हो जा रहे हैं और बाकी के बचे हुए वड़े भी हम इसी तरह तल के इसी पानी में डाल देंगे। वड़े को मैंने पानी में डाल दिया, अब इसे साइड रख देते हैं। अब वड़े के लिए हम दही बना लेते हैं। तो बर्तन में 250 ग्राम मैंने यहाँ पे दही लिया है। दही को अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेते ताकि इसमें कोई क्लॉट ना रह जाए। जब दही मिक्स हो जाए तब इसमें हम 1 लीटर छाछ डालेंगे। तो मैं यहाँ पे आधा आधा लीटर करके डाल रही हूँ और छाछ डालने के बाद इसे वापस हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। दही और छाछ अच्छी तरह से मिक्स हो गया, अब चलिए इसमें मसाला डाल देते हैं। तो यहाँ पे 1 चम्मच मैंने नमक डाला है छोटे चम्मच से, 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आप चाहे तो काली मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ को मिक्स कर लिया है, अब चलते हैं इसमें तड़का डालने के लिए। तो इसके लिए हमें इसका तड़का बनाना होगा। दही में तड़का डालने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में 1 चम्मच तेल लिया है, रिफाइंड तेल लिया है। तेल जैसे गर्म हो जाए उसमें 1 चम्मच छोटे चम्मच से राई डाला है, छोटा चम्मच मैं यहाँ पे जीरा डाल रही हूँ साबुत जीरा, और थोड़ा करी पत्ता। करी पत्ता जब चटक जाए फिर इसमें हम 4-5 लाल मिर्ची ऐड करेंगे साबुत। अब इस लाल मिर्ची को आपको अच्छी तरह से पकाना है, जब पक जाए तब फिर इसमें 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और गैस को बंद कर देंगे। तो ये हमारा तड़का बन के रेडी है। अब इस दही और छाछ में तड़का लगा देंगे और तड़का डालने के बाद इसमें सारे वड़े डाल देंगे।
अब इसे हम एक साइड में रख देते हैं और चलते हैं आगे के प्रोसेस के लिए। दही बड़े बनके रेडी है। अब आलू दम बना लेते हैं। तो पैन में यहाँ पे मैंने एक बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल दिया था। तेल गरम हो गया है। अब इसमें मैं तेज पत्ता ऐड कर रही हूँ, 2-3 लाल मिर्ची साबुत डाल रही हूँ और 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच राई। मैंने तीनों चीज़ को मिक्स कर दिया और इसमें डाल दिया है और ये जैसे चटक जाए फिर इसमें हम ऐड करेंगे एक बड़ा साइज़ का कटा हुआ प्याज। प्याज को मैंने बहुत बारीक साइज में नहीं काटा है, थोड़ा मोटा साइज में काटा है और प्याज को थोड़ा सा हम भूनते हैं और गलने का वेट करते हैं। जब थोड़ा प्याज गल जाए फिर इसमें 1 चम्मच नमक ऐड करेंगे और बाकी का मसाला भी धीरे धीरे करके इसमें हम ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 छोटे चम्मच से हल्दी पाउडर डाला है, 1 चम्मच मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ धनिया पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर और इसे हम थोड़ा चला लेते हैं। गैस को लो टू मीडियम रखिए ताकि मसाला आपका जले नहीं। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं ताकि मसाला हमारा जले नहीं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया है। अब इसे हम अच्छी तरह से भूनते हैं ताकि इसका सारा कच्चापन निकल जाए। अब इसमें हम ऐड करेंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटर। टमाटर को हमें थोड़ा गलाना है। जब टमाटर गल जाए तब इसमें हम 4 बड़े उबले साइज के आलू, जो कि मैंने ऐसे बड़े बड़े साइज में इसे काटा है। आलू को आपको फोड़ना नहीं है, आलू को 4 पीस करके आपको काटना है। अब इसे इस मसाले में डाल के थोड़ी देर हमें इसे फ्राई करते हैं और फ्राई करने के बाद इसमें हम पानी ऐड करेंगे। जब हमारा मसाला अच्छी तरह से भून जाए तब आपको इसमें पानी ऐड करना है। आलू मसाले के साथ भून चुका है, अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि ये जो आलू दम है बहुत पतला नहीं होता, बहुत गाढ़ा भी नहीं होता, तो पानी अपने हिसाब से डालिएगा। आप देखिए मैंने इस तरह का ग्रेवी रखा है और इसमें उबाल आ चुका है और आलू दम हमारा बनके रेडी है। अब इसे हम सर्व कैसे करें, तो यहाँ पे पहले सभी चीज़ को एक जगह रख लेते हैं। यहाँ पे दही बड़े, आलू दम है, ये वाइट मटर है, इसकी रेसिपी ऑलरेडी मैं पहले डाल चुकी हूँ, ये मेरे पास रखा था तो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। अगर नहीं है आपके पास तो बिल्कुल ऑप्शनल, आप नहीं भी डाल सकते। बारीक वाले नमकीन है, थोड़ा प्याज है, धनिया पत्ता है, हरी मिर्ची है। अब चलिए इसे सर्व करते हैं। तो आज जो मैं इसे सर्व कर रही हूँ ना, बहुत ही ट्रेडिशनल तरीके से कर रही हूँ। ये पत्ते के दोने हैं मैंने बनाया है, इसमें दही बड़े डाल दिए हैं और ऊपर से आलू दम और थोड़ा सा मटर डाल दिया है, प्याज डाला है, बारीक वाले नमकीन है, ऊपर से मैं थोड़ा सा इसमें मिर्ची पाउडर और थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ। तो रेसिपी कैसी लगी फ्रेंड, एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कर दीजिएगा। अपने फैमिली मेम्बर में ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस रेसिपी को शेयर करिए। दही बड़े तो आपने कई तरीके खाए होंगे लेकिन इस दही बड़े का तो कोई जवाब ही नहीं है, है ना, बिल्कुल अलग यूनिक रेसिपी। तो चलिए रेसिपी को ट्राई करिए, मिलते हैं फिर इसी तरह नई नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फ्रेंड।